नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। टेट्रासाइक्लिन क्लास का जो आखिरी एंटीबायोटिक है वो है आपको खुद टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइन क्लास से बिलोंग करता है। अब टेट्रासाइन काम कैसे करता है, कहाँ पे इसको उपयोग कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में कितना सेफ है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये आप अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में इसको उपयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये खुद टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो बाकी जो टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करने वाले एंटीबायोटिक थे, जैसे मिनोसाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ठीक वैसे ही है। ये बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम पर बाइंड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो बैक्टीरिया का फर्दर ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस नहीं होते हैं, आरएनए नहीं बनते हैं, अमीनो एसिड्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उस बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ये इसका काम का तरीका है। अगर इसे फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ओरल फॉर्म में इसको लिया जाता है, बॉडी में बेटर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से पार कर सकता है, और उसके अलावा प्लेसेंटा बैरियर को भी आसानी से पार कर सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म आपको थोड़ा बहुत लीवर में होता है और किडनी के माध्यम से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी कम होती है। अगर हम लोग बात करें कि ये काम कहाँ कहाँ करता है, जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जो श्वास में नली में जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे ब्रॉन्चाइटिस, यानी कि जो हमारे श्वास की नलियाँ हैं उनमें सूजन हो जाना, उनमें एक तरह से बोल सकते हो कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो इस कंडीशन ये होता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो इस कंडीशन में ये इफेक्टिव देखा गया है। इसके अलावा साइनसाइटिस, यानी जो हमारे साइनसेस होते हैं, जो आँख के नीचे यहाँ पर बोन है, इनमें गड्ढे होते हैं, इनको साइनस बोलते हैं, इनमें जब इन्फेक्शन होता है तो इनमें आपको बोल सकते हो कि कफ भरने लग जाता है, इन्फेक्शन से म्यूकस भरने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग साइनस बोलते हैं। और तीसरा जो कंडीशन होता है जहाँ पर ये आपको यूज होता है, वो है आपको निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, जिसके वजह से फेफड़ों में पस जमना, या फिर आप बोल सकते हो पानी भरना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, और ये कभी कभी घातक भी हो जाता है। तो निमोनिया में भी ये बहुत इफेक्टिव होता है और निमोनिया को ठीक करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जो सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्लैडर के होते हैं या यूरेथ्रा के होते हैं, वहाँ पर ये इफेक्टिव देखने को मिलता है। और कभी कभी ये थोड़ा से आपको किडनी इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका उपयोग होता है। सबसे पहले इसका यूज आप कर सकते हो सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक ऐसा कंडीशन होता है जो बैक्टीरिया की वजह से हमारे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन पैदा करता है, खास करके पैरों के स्किन पे, जिसमें जो यहाँ पर इस इन्फेक्शन होगा वहाँ पूरा पैचेस लाल कलर का हो जाएगा, खुजली हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन दर्द होते हैं, यहाँ पे ये इफेक्टिव होता है। इसके अलावा एब्सेसेस, एब्सेसेस का मतलब होता है कि फोड़े हो जाना एक तरह से, यानी पस भर जाना, ठीक है, ब्लज निकल जाना इतना बड़ा छोटा सा, उसमें पस भर जाना और दर्द करना, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आसान भाषा में बोले तो एक तरह से बलतोड़ हो जाना। और तीसरा जो आपका स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है वो है आपको उंड हीलिंग, यानी कि जब चोट लगता है तो उसमें इन्फेक्शन को रोक के जल्दी घाव को भरने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया में भी उपयोग होता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा इसका यूज हम लोग कर सकते हैं टिक बॉर्न डिजीज में, जिसमें आप पढ़े थे लाइम डिजीज, लाइम डिजीज में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एक्ने में इसका यूज करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था डॉक्सीसाइक्लिन में, मिनोसाइक्लिन में, कि एक्ने के लिए ये दोनों एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी एक्ने के लिए इफेक्टिव है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बहुत समय से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उसका मिसयूज होने की वजह से भी कभी कभी ये रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर देता है, ठीक से इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे कभी कभी इन्हीं लोगों में, सब में नहीं बट कुछ कुछ लोगों में ये इफेक्टिव नहीं हो पाता है, वहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन एक्ने में भी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा पेरिडोंटल इन्फेक्शन जो होते हैं, यानी दांतों के इन्फेक्शन होते हैं, गम ब्लीडिंग होते हैं, गम्स के इन्फेक्शन होते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, तो वहां पे भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। एंथ्रेक्स और प्लैग में
भी इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑफ लेवल ट्रीटमेंट एक आपको इंट्राकार्नियल हाइपरटेंशन, ऑफ लेवल का मतलब होता है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखा गया है कि वहां पे ये थोड़ा सा इफेक्टिव है, तो इंट्राकार्नियल हाइपरटेंशन में भी ये इफेक्टिवनेस देखने को मिला है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर आप इसको उपयोग कर सकते हो, जगह है जहां पर इसको उपयोग कर सकते हो। अगर हम इसे डोज की बात करें तो 500 mg दिन में 2 बार लिया जाता है इसको, कभी कभी 3 बार भी लेना पड़ता है क्योंकि इसका हाफ लाइफ थोड़ा सा कम होता है। अगर इसे साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, कंफ्यूजन, लाइट से सेंसिटिवनेस, स्किन रैशेस, ये सारी चीज देखने को इसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देता है, नॉर्मल होता है, कभी कभी ही देखने को मिलता है, जनरली इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। कॉन्स्टिपेशन कभी कभी देखने को मिल जाता है। अगर ड्रग इंटेक्शन की बात करें तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और ये सप्लीमेंट्स के साथ ये बाइंड कर जाता है, बाइंड करने की वजह से इनका मतलब प्रेटोसाइबिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है, इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है, दूसरे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे पेनिसिलिन क्लास हो गए, सिफेलोस्पोरिन हो गए, क्लोरोक्विनोल्स हो गए, तो इनके साथ जब टेट्रासाइक्लिन इंटरेक्ट करता है तो टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पाता, इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है। मेथोट्रेक्सेट या एंटीकोगुलेंट, वारफरिन वगैरह के साथ अगर आप इसका उपयोग करते हो तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेथोट्रेक्सेट का, वारफरिन का या आप कोई और एंटीकोगुलेंट है उनका क्या करता है कि बॉडी में कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो इफेक्ट जो होता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट से टॉक्सिक इफेक्ट की ओर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। रेटिनॉइड्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंटरेक्ट करता है और उसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल कर जाते हैं। ठीक है, आप प्रेगनेंसी आप रोकना चाह रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप इन दवाओं के साथ टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करें, कोशिश करें कि एक टाइम गैप बना कर रखें, उससे क्या होगा कि इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। प्रेगनेंसी की बात करें तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, टेट्रासाइक्लिन क्लास की कोई भी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन हो, मिनोसाइक्लिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो, आप उनका उपयोग प्रेगनेंसी में मत करें, क्योंकि आसानी से प्लेसेंटा बैरियर को पार कर पाता है। जब प्लेसेंटा बैरियर को पार कर पाता है तो उससे बच्चे में निगेटिव इफेक्ट देखने को आसानी से मिलता है, उसको खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए इनका उपयोग उसमें ना करें या ब्रेस्ट फीडिंग की कोशिश करें कि नहीं करने का। उसके अलावा अगर आप कोई भी दवा का उपयोग कर रहे हैं, आप प्रेगनेंसी में कर रहे हो या नॉर्मल कंडीशन में कर रहे हो, तो प्लीज़ हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने हेल्थ के सलाह लें, उसके बाद ही उपयोग करें। कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख के उपयोग ना करें, क्योंकि ये आपको सलाह देने के लिए है, आपको एजुकेट करने के लिए है, ना कि प्रिस्क्राइब करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल।